अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में मौजूद हैं लाहौर के अंदर और इलेक्ट्रिक पावर इंजीनियरिंग के अंदर मौजूद हैं। रेहान साहब हमारे साथ हैं। रेहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। पहला दिन है आज और कोविड के बाद भी एग्जीबिशंस का भी सिलसिला शुरू हुआ है, तो कैसा फुटफॉल है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है और लोगों ने बहुत जोश व खरोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी जो विजिटर्स हैं वो अभी तक आ रहे हैं, यानी सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुए और 5 बजने वाले हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे इंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, आपकी कंपनी किस किस प्रोडक्ट में डील कर रही है? बेसिकली हमारी कंपनी केबल मैनेजमेंट सिस्टम में डील करती है, जिसमें केबल ट्रेज, EMT कंड्यूट, पाइप एंड फिटिंग्स, आपके फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं, केबल टर्मिनेशन एसेसरीज हैं, लाइटनिंग एंड अर्थिंग प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो ये सारे पाकिस्तान मेड होता है या ये इम्पोर्टेड? मोस्टली हमारा पाकिस्तान मेड है। केबल ट्रे हम यही पाकिस्तान में बनाते हैं, EMT कंड्यूट, पाइप एंड फिटिंग पाकिस्तान में बनाते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप पाकिस्तान में बनाते हैं, और ESC इलेक्ट्रिक जो लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम है वो LPI ऑस्ट्रेलिया का हमारे पास होता है। जब पाकिस्तान मेड की बात आती है तो क्वालिटी के हवाले से लोग जो है ज़रा कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं क्वालिटी होगी या नहीं होगी, तो कैसे आप उसे इंश्योर करते हैं? कोई लेबॉरेटरी से टेस्ट वगैरह कराते हैं? हाँ, बेसिकली हमारे कस्टमर्स जितने भी कस्टमर्स हैं, डिस्कॉन, सीमेंस, पैल, बेसिकली इनको सारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग डाइज हैं हम उसको 2-3 महीने बाद चेंज करते हैं ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है जो हमारी क्वालिटी है वो हम मेंटेन रखें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम उसको मेंटेन रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।